आज हम हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझेंगे। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इसमें इन्होंने प्रूव किया जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसका मेजर रिक्वायरमेंट जो एक्सपेरिमेंट में जो मेजर रिक्वायरमेंट था वो था T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। इसको एंटेरोबैक्टीरियाफेज T2 भी कहते हैं। ये ग्रुप 1 बैक्टीरियोफेज का होता है और मायोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इसके स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन कोटेड हेड, कॉलर और टेल प्रेजेंट होती है। इस हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए होता है। अब जो इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल था वो ये था कि जो डीएनए है हमारा वो फॉस्फेट बैकबोन का बना होता है, यानी उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बट उसमें सल्फर एब्सेंट होता है। पर जो हमारा प्रोटीन है उसका मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ही सल्फर है पर उसमें फॉस्फोरस एब्सेंट होता है, यानी कि हार्डली प्रेजेंट होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को समझ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 4 स्टेप्स में परफॉर्म हुआ था। सबसे पहला स्टेप था रेडियो एक्टिव लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल करना। सेकंड है इन्फेक्शन, थर्ड है ब्लेंडिंग और फोर्थ है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले तो जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज था इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो हर्शे एंड चेज ने ये जानते थे कि जो वायरस हैं उसमें प्रोटीन शेल और डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्होंने दोनों को दो अलग अलग एलिमेंटल आइसोटोप से लेबल यानी टैग कर दिया, जिसके बाद इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया अलग अलग। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया ई कोलाई का बैक्टीरिया था उसको 4 घंटे के लिए 2 बैचेस में अलग अलग ग्रो कराया। पहले बैच में इन्होंने नॉर्मल सल्फर की जगह रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज़ किया मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया नॉर्मल सल्फर की जगह। दूसरे बैच में उन्होंने नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में इंक्लूड कर दिया P32। तो इसकी वजह से जो बैच 1 था उसमें जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट थे ई कोलाई के बैक्टीरिया में वो हो गए रेडियो एक्टिव, क्योंकि उसमें सल्फर जो था वो रेडियो एक्टिव प्रेजेंट सल्फर प्रेजेंट था। और जो बैच 2 था उसमें जितना भी डीएनए था वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गया फॉस्फोरस की वजह से, क्योंकि उसमें जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फेट बैकबोन होती है। अब इसके बाद इन्होंने T2 जो फेजेस थे उनको इंट्रोड्यूस किया इन दोनों अलग अलग बैचेस में अलग अलग। इंट्रोड्यूस करने के बाद इन्होंने इन फेजेस को भी ग्रो कराया इन दोनों बैचेस में अलग अलग ग्रो कराया। जब इन बैक्टीरियोफेजेस ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को तो ये क्या करेंगे, क्योंकि ये वायरस हैं इन्फेक्शन करेंगे और ख़ुद को मल्टीप्लाई करेंगे होस्ट मशीनरी को यूज़ करके। तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज़ किया और ख़ुद को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन बैक्टीरियोफेजेस की प्रोजेनी थी उसमें क्या होगा, अलग अलग 2 बैचेस में उनकी बैक्टीरियोफेज की जो प्रोजेनी लिसिस हुआ जब बैक्टीरियल सेल का, और बैक्टीरियोफेज की जो प्रोजेनी निकली उसमें जो हमारा बैच 1 था उसमें जो बैक्टीरियोफेज था उसके सारे प्रोटीन में सल्फर जो था वो रेडियो एक्टिव था, तो उसका जो प्रोटीन कोट था वो रेडियो एक्टिव हो गया। जो बैच 2 था उसमें जो भी प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियोफेज लिसिस के बाद बैक्टीरिया से निकला उसमें क्या होगा, जो भी डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल हो जाएगा। तो ये बैच 2 में जो प्रोजेनी थी उसमें जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, और जो बैच 1 की जो प्रोजेनी थी उसमें जो प्रोटीन कोट था वो क्या होता, रेडियो एक्टिव था। अब लिसिस के बाद ये जो बैक्टीरियोफेज रिलीज हुए उनको अलाउ किया गया इन्फेक्शन करने के लिए नॉन रेडियो एक्टिव इकोलाई के कल्चर्स में। सेम 2 बैचेस में इन्होंने क्या किया, 2 बैचेस बनाए इकोलाई के और उनको नॉर्मल मीडियम पे ग्रो कराया,
और नॉर्मल मीडियम पे इकोलाई के जो कल्चर्स थे उनको इन्फेक्ट कराया इन दोनों अलग अलग बैचेस के बैक्टीरियोफेजेस से। इन्फेक्शन के बाद इन्होंने ब्लेंडिंग और एजिटेशन के द्वारा क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज जब अटैच हुआ था बैक्टीरिया की सेल वॉल से उसको रिमूव किया। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से इन्होंने क्या किया, जो वायरल प्रोटीन कोट था और बैक्टीरियल सेल था उनको अलग अलग किया, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है वो हैवी पार्टिकल है तो वो पैलेट में आ जाएगा सेंट्रीफ्यूज होने के बाद, और जो वायरल कोट प्रोटीन है वो लाइटर पार्टिकल है तो वो हमेशा सुपरनेटेंट में रहेगा। तो इसमें इन्होंने ऐसे करके सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन्होंने ये देखा ऑब्जर्वेशन में कि जो हमारा बैच वन था जिसमें कि प्रोटीन्स जो थे वो सल्फर की रेडियो एक्टिविटी से कोटेड थे, उसमें जो सुपरनेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी, बट उसमें जो पैलेट था यानी कि बैक्टीरियल सेल्स थे वो नॉन रेडियो एक्टिव थे। पर जो हमारा बैच टू था जिसमें कि फॉस्फोरस की रेडियो की वजह से रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी, उसमें पैलेट में जो था वो रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी और सुपरनेटेंट में जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। इसके बाद इन्होंने इन दोनों के पैलेट को, क्योंकि जो हमारे पैलेट थे उन्हीं में बैक्टीरियल सेल में ही बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया होगा, तो जो वो बैक्टीरियल सेल जो थे उन्होंने उनको नॉर्मल मीडियम पे ग्रो कराया, और क्योंकि वो हमारे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड थे तो इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, क्योंकि T2 बैक्टीरियोफेज जब लिसिस करेगा, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करके अपने बैक्टीरियोफेजेस को रिलीज़ करेगा, तो उन्होंने पाया कि जो हमारे फेजेस बने थे उसमें जो बैच टू था जिसमें कि हमारे पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी, उसके जो प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियोफेज थे वो भी रेडियो एक्टिव थे, बल्कि जो बैच वन था जब इनकी बैक्टीरिया की प्रोजेनी लिसिस के द्वारा रिलीज हुई तो जो प्रोजेनी के फेज जिस थे यानी कि जो पेरेंट से प्रोजेनी बनी थी उसके जो फेजेस थे वो नॉन रेडियो एक्टिव थे। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो वायरल प्रोटीन है वो हमेशा बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन के दौरान हमेशा बाहर रहता है, और जो वायरल डीएनए है वही इंजेक्ट होता है होस्ट बैक्टीरियल सेल में और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेनी के फॉर्मेशन में। इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वही ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से प्रोजेनी में। एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली और क्लियरली समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको रेडियो एक्टिव लेबलिंग बताई थी, यहाँ पे हमने जो रेडियो एक्टिव लेबल किया है प्रोटीन को सल्फर से S35 से, और यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस 32 से लेबल किया है। इसके बाद इसने फेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया दोनों ने अलग अलग बैचेस में, और पहले बैच में जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको अलग और इसको अलग किया तो ये सुपरनेटेंट में आ गया और ये पैलेट में आ गया। तो जब ये पैलेट में है तो यहाँ डीएनए जो इंसर्ट हुआ है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, इसकी वजह से जो पैलेट है वो नॉन रेडियो एक्टिव था। अब यहाँ सेकेंड केस में, लेकिन बैच टू में क्या है, क्योंकि जो डीएनए इंसर्ट हुआ है वो रेडियो एक्टिव था तो पैलेट रेडियो एक्टिव था और सुपरनेटेंट जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। जब इन बैक्टीरियल सेल की प्रोजेनी रिलीज हुई यानी जब बैक्टीरियोफेजेस ने लिसिस के बाद प्रोजेनी को रिलीज़ किया तो वो प्रोजेनी हमेशा नॉन रेडियो एक्टिव रहेगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर जो था जो कि प्रोटीन कोट में प्रेजेंट था वो पहले ही रिमूव हो चुका था, और इसका जो डीएनए था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। इसलिए जो प्रोजेनी रिलीज होगी आफ्टर लिसिस ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल जो कि बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड है वो क्या होगी, नॉन रेडियो एक्टिव। और इस केस में जो बैच टू में, क्योंकि जो डीएनए है वो फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है तो जो प्रोजेनी रिलीज होगी वो क्या होगी, रेडियो एक्टिव। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट का वो एंड होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा जेनेटिक मार्कर पे होगा। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी इजीली एक्सेस हो सके। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई डाउट है आपको या आपने कोई डिमांड किया है किसी टॉपिक पे वीडियो का और मैंने उसे अपलोड किया है तो आपको वो सबसे पहले ईजिली अवेलेबल हो जाए।